Hello student, today we will learn how to write capital cursive letter K to P. तो students, अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि किस तरह से हमको A to J तक हम बनाते हैं. तो आज हम लोग फिर चलिए स्टार्ट करते हैं K to P तक. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबको पता है कि हमारे पास फोर लाइंस होते हैं ना, तो K के लिए हमको सेकंड लाइन पे पेंसिल रखना है. पुट योर पेंसिल ऑन सेकंड लाइन, गो अप. अब हम क्या करेंगे, पेंसिल अभी मूव नहीं करेंगे, हटाना नहीं हमको, ठीक है. फर्स्ट लाइन से ही थर्ड लाइन तक हम टैनिंग लाइन ड्रॉ करके यस थोड़ा सा उसको कर्व कर लेंगे, हल्का सा घुमा देंगे. और फिर उसके बाद इस तरह से के को रखें, यहाँ थोड़ा सा लूप हल्का सा कर दिए, लूप बना के डाउन साइड में लाए थर्ड लाइन में, और ये बन गया हमारा के. ओके, क्या बन गया हमारा के. अब हमको बनाना है एल. फिर सेम कंडीशन जैसे हमने फर्स्ट के को बनाया था सेकंड लाइन पे रख के पेंसिल, बस इफ नाउ पुट योर पेंसिल ऑन सेकंड लाइन. यस, अब हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन पे पेंसिल रखा तो अब इसको हम इसके बाद स्टैंडिंग लाइन. अब यहाँ बैक साइड से छोटा सा लूप बना दिया हमने और लाके बना दिया एल. ओके, अब एल के बाद क्या आता है नेक्स्ट, एम. तो 1 2 3, अभी तक हम लोग सेकंड लाइन पे सारा काम करते ना, अब हम थर्ड लाइन पे करेंगे, ठीक. अब थर्ड लाइन से यहाँ सेंटर पे रखे पहले पेंसिल, पुट योर पेंसिल ऑन सेंटर. यस, अब ओके, अब हमको डाउन साइड पे आना है, फिर अप जाना है, फिर डाउन साइड आके थोड़ा सा मूव कर जाना है. ये बन गया है हमारा एम. तो अभी तक हमने क्या बनाया, के एल M. अब M के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, N. फिर N के लिए भी 1 2 3 थर्ड लाइन पे पेंसिल रखा हमने, अब डाउन अगेन अप, थोड़ा सा घुमा दिया, ये बन गया हमारा N. अब O के लिए फर्स्ट लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे, क्या राइट करेंगे हम O. O के लिए क्या करेंगे, किस लाइन में रखेंगे पेंसिल, फर्स्ट लाइन में. फर्स्ट लाइन में पेंसिल रखा, 1 2 3, और इस तरह से इसको घुमा दिया, बन गया ओ. ओके, अब हम ओ के बाद क्या होता है पी. पुट पेंसिल ऑन फर्स्ट लाइन, प्लांटिंग लाइन, यहाँ से इस तरह से लेके यस, और इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया पी. ओके, तो आज हमने क्या सीखा, के टू पी तक हम कैसे राइट करते हैं सो सीख लिया. ओके, नाउ चिल्ड्रेन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम. थैंक यू, बाय.